दोस्तों, बात अगर की जाए लार की तो हर व्यक्ति के मुंह में लार बनती है और किसी के मुंह में ज्यादा बनती है, किसी के मुंह में कम बनती है। ठीक है, और लार का होना जरूरी है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, जो हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे बात आती है कि भाई कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सोते सोते इतनी लार बनती है कि उनका पूरा बिस्तर ही खराब हो जाता है, तकिया गीला हो जाता है। इसी चीज को समझेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ शुभम और शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, यहाँ पे जो लार बनती है इसके ऊपर एक ऑलरेडी अपना वीडियो है कि भाई कई लोगों को नॉर्मली लार ज्यादा बनती है। ठीक है, लेकिन अगर आज बात कर रहे हैं कि सोते वक्त लार ज्यादा बनती है, वो लार मुंह से निकल जाती है, जिसे एक टर्म है ड्रूलिंग बोलते हैं, और ड्रूलिंग को समझेंगे कि ये होता क्यों है। यहाँ पर जो भी लार बनती है उसे मेडिकली भाषा में बोलते हैं सलाइवा। इसे अपन बोल सकते हैं हाइपर सलाइवेशन बोल सकते हैं या ड्रूलिंग बोल सकते हैं। अब ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर होता है कि भाई आपको ये क्यों हो रहा है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों। पहला कारण तो यही है कि आपके मसूड़ों में और आपके जो मसल्स हैं आपके मुंह की, वो अगर कमजोर हैं तो लार आपको ज्यादा बनती है। आपके मुंह के अंदर दोस्तों मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, सबेंडुलर और पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, जो कि लार को बनाने का काम करती है बेसिकली। तो इन्हीं में अगर कोई कमजोरी आती है तो लार ज्यादा बनती है। कुछ खाने पीने की चीजें होती हैं दोस्तों, उनकी वजह से भी होता है। अगर आप मीठा ज्यादा खाते हैं या आप दोस्तों कोई एसिडिक फूड ज्यादा खाते हैं तो आपको लार ज्यादा बनेगी, या आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, आप बहुत ज्यादा डरे हुए घबराए हुए रहते हैं, तो आपको हो सकता है कि लार ज्यादा बने और सोते वक्त आपका बिस्तर खराब हो जाए। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कुछ जो एबनॉर्मलिटी हमारी बॉडी की ही है, उनकी वजह से भी आपको ये देखने को मिलता है। जैसे कि नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई बीमारी, जैसे कि आपको आप नर्वस है नॉर्मली, या आपको सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है, या पार्किंसन डिजीज है, या दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है दोस्तों, या डाउन सिंड्रोम है। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं दोस्तों जिनमें आदमी को इस तरह से मुंह में से लार ज्यादा ही बनती है। अब हो सकता है कि आपको कोई बीमारी ना हो, लेकिन अगर आप सोने गए और आपके मुंह से लार निकल गया तो उसका एक कारण ये भी होता है कि आप बहुत ज्यादा थके हुए थे, आप बहुत ज्यादा गहरी नींद में थे। तो ये कभी कभार होता है, चलता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा ही ये हो रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको जो है दोस्तों बीमारी की समस्या हो सकती है। अब इससे रिस्क क्या हो सकता है? जब किसी व्यक्ति के मुंह से इतना ज्यादा लार निकलेगा तो जाहिर सी बात है उसके मुंह में, उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो समय रहते जल्द से जल्द इसका इलाज कराना चाहिए। और इलाज में दोस्तों ये है कि कुछ थेरेपीज होती हैं, कुछ ओरल अप्लायंसेस होते हैं, ठीक है, मोटर थेरेपी होती है दोस्तों, जिसमें आपके मुंह में इस तरह से एक्सरसाइज कराई जाती है ताकि लार बनना कम हो जाए, जिससे मसल्स जो है यहाँ की जो ग्लैंड्स हैं वो स्ट्रांग हो जाए, जो कि इम्प्रूव हो जाए, डेवलप हो जाए। तो कुछ एक्सरसाइज हैं, थेरेपीज है मोटर थेरेपी जो कि, और कुछ ओरल अप्लायंसेज होते हैं दोस्तों जो कि मुंह में फिट किए जाते हैं ताकि जब भी आप खाना खाएं तो आपके जो जो ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव ना पड़े और आपको लार ज्यादा ना बने। उसके अलावा दोस्तों कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं, जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पे अदरक चबा सकते हैं, लौंग चबा सकते हैं, इलायची, इस तरह की चीजों को आप दबा के रख सकते हैं, तो आपको लार बनने में हेल्प होगी, लार कम बनने में हेल्प होगी। ठीक है, तो ये कारण दोस्तों क्या लार बनने का, जैसे कि ड्रूलिंग भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सोने जाते हो तो बहुत ज्यादा आपके मुंह से लार निकलता है, और जो कि थोड़ा सा ऑकवर्ड भी होता है, कई लोग देखते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है, तो जरूर से आप इस चीज को समझें कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और इलाज के लिए बस ऐसा कोई खास इलाज नहीं होता इस चीज का, बस हाँ थेरेपी है और कुछ ओरल अप्लायंसेस होते हैं और कुछ आपकी हैबिट्स। ठीक है, तो ये सब पे आपको काम करना पड़ेगा और आप ठीक हो जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों ड्रूलिंग के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, यहां तक देख रहे हो तो प्लीज से लाइक करो। इस तरह की वीडियोस और देखना है तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, वहां पे भी हम इस तरह की वीडियोस डालते हैं जो कि आपके काम आएंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।